चलिए ईरान से अब आपको यूक्रेन ले चलते हैं। यूक्रेन की जंग अब और भीषण होने वाली है। इसकी बड़ी वजह है अमेरिका का यूक्रेन को दिया हुआ क्लस्टर बम। ज़ेलेंस्की पुतिन के देश पर क्लस्टर बम से हमला करके बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं और अब पुतिन ने बदले की शुरुआत कर दी है। रिपोर्ट आप देखिए। ज़ेलेंस्की ने क्राइमिया पर हमला किया, पुतिन ने बदला लिया। ज़ेलेंस्की ने क्रेमलिन पर हमला किया, पुतिन ने पलटवार किया। ज़ेलेंस्की ने मॉस्को पर हमला किया, पुतिन ने अटैक कर दिया। ज़ेलेंस्की ने पुतिन की सेना को खेरसोन से भगाया, पुतिन ने पूरे बखमूत पर कब्जा कर लिया। पुतिन ज़ेलेंस्की के हर एक हमले का बदला ले रहे हैं, हर एक वार पर पलटवार कर रहे हैं, हर एक अटैक का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। ये पुतिन की कसम है, तुम एक मारोगे हम 100 मारेंगे। पुतिन ने एक बार फिर अपने ही अंदाज में जवाब देने की तैयारी कर ली है, इंतकाम लेने की ठान ली है। इस बार पुतिन के गुस्से की वजह बनी है वो रेड लाइन, जिसे यूक्रेन ने क्लस्टर बम से हमला कर पार कर दिया है, जिसके लिए पुतिन ने ज़ेलेंस्की और अमेरिका को पहले ही वार्निंग जारी की थी। इस रेड लाइन को क्रॉस कर ज़ेलेंस्की ने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले रखी है। पुतिन के लाख समझाने के बावजूद ज़ेलेंस्की नहीं माने और क्लस्टर बम से रूस पर हमला कर दिया। रूस का दावा है कि ज़ेलेंस्की ने उसकी सीमा के अंदर बेलगरद के पास क्लस्टर बम से हमला किया। यह हमला बेकार गया, बम गिरा लेकिन वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। हालांकि ज़ापोरिज़्या में हुए ऐसे ही एक हमले में रूस के एक पत्रकार की मौत हो गई है। रिपोर्ट है कि 22 जुलाई को रूस के पत्रकार रोस्तिस्लाव ज़ोरावलेव ज़ापोरिज़्या के पास रिपोर्टिंग कर रहे थे, तभी वहां यूक्रेन ने क्लस्टर बम से हमला किया जिसमें उनकी मौत हो गई। इस हमले में कई और पत्रकार जख्मी भी हुए हैं। В результате удара ВСУ кассетными боеприпасами получили ранения различной степени тяжести 4 журналиста. Журналисты были оперативно эвакуированы в полевые медицинские учреждения Минобороны России, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Во время эвакуации журналист информационного агентства РИА Новости Ростислав Журавлёв от полученных ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса скончался. पत्रकार की मौत से पुतिन बहुत गुस्से में है और वो इसका जवाब ज़ेलेंस्की को जरूर देंगे। पुतिन कीव पर हमला करेंगे, वो खार्कियो में अटैक करेंगे, वो खेरसोन को नक्शे से मिटा देंगे। पुतिन पहले ही इस बात का इशारा कर चुके हैं, पुतिन की वार्निंग कभी खाली नहीं जाती। पुतिन वक्त लेते हैं लेकिन जवाबी हमला बहुत खतरनाक तरीके से करते हैं। ये तस्वीर यूक्रेन के ओडेसा की है। यहाँ रविवार 23 जुलाई को जबरदस्त अटैक हुआ है। ये हमला रूस में हुए क्लस्टर बम से हमले के कुछ घंटे के बाद ही हुआ है। कहा जा रहा है कि पुतिन ने पत्रकार की मौत का बदला लेने की शुरुआत कर दी है और ये तो बस अभी शुरुआत है। यूक्रेन का दावा है कि यह हमला रूस ने किया है और इस अटैक में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 18 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। हमला इतना जबरदस्त था कि आसपास की कई बिल्डिंग चंद मिनटों में मलबे में तब्दील हो गई। चीख पुकार मच गई, लोगों में अफरा तफरी मच गई। Я ничего не понимаю, темнота полнейшая, на меня падают кирпичи, стекла, вообще ничего не вижу, взяла телефон с телефоном, ничего не видно, потому что пыль. Потом еще раз, и еще раз. क्राइमिया ब्रिज 17 जुलाई को हुए अटैक के बाद पुतिन ने 3 रात लगातार ओडेसा पर मिसाइल से हमले किए। पुतिन ने 18 जुलाई को भी हमले किए, 19 जुलाई को भी मिसाइल दागे
और 20 जुलाई को भी यहां कई मिसाइल आकर गिरी। पुतिन 21 जुलाई को भी नहीं माने और अब 23 जुलाई को भी हमला कर दिया। आप इन 5 तारीखों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि पुतिन जवाबी कार्रवाई में बिल्कुल वक्त नहीं लगाते, वो फौरन बदला लेते हैं। और ज़ेलेंस्की क्या, उन्हें रोकने की हिम्मत तो बाइडन भी नहीं दिखा पाए हैं। इस वक्त पूरे रूस में बदले की आग धधक रही है। सभी की एक ही पुकार है, बदला और सिर्फ बदला। यूएन में रूस के डिप्टी एम्बेसडर दिमित्री पोलियांस्क ने कहा कि इस हमले ने यह बता दिया है कि यूक्रेन ने रेड लाइन को पार कर दिया है। इस हमले पर रूस के विदेश मंत्रालय ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, पत्रकार की मौत एक जघन्य अपराध है। पश्चिमी देशों और कीव ने प्लानिंग के तहत यह अटैक किया। साफ पता चल रहा है कि यह हमला इत्तेफाक नहीं था। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने तो बदला लेने की चेतावनी तक दे डाली। मारिया ज़ाखारोवा ने कहा कि यूक्रेन ने जानबूझकर ये आतंकी हमला किया है और जो कोई भी पत्रकार की मौत के लिए जिम्मेदार है उसे कड़ी सजा मिलेगी। इन बयानों से ये बात तो साफ है कि पत्रकार की मौत ने पूरे रूस को पुतिन के साथ ला दिया है। पूरा रूस चाहता है कि पुतिन इस हमले का बदला ले, और जरूर ले। पुतिन ने ओडेसा पर अटैक कर ये तो बता दिया कि उनका इरादा क्या है। अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं जो ये बताने के लिए काफी है कि अगर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया तो ज़ेलेंस्की के देश का क्या होगा। वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, वीडियो 4, वीडियो 5, कुल मिलाकर 5 कैमरों से इस मिसाइल लॉन्च का स्पेशल वीडियो बनाया गया है। ये पुतिन की वो मिसाइल है जो ज़ेलेंस्की की नींद उड़ा सकती है। ये वो मिसाइल है जिसकी वजह से यूक्रेन के लोग रात में सोना बंद कर सकते हैं। ये वो मिसाइल है जिसके हमले का मतलब है 100% मौत, और ये गारंटी खुद पुतिन दे रहे हैं। पुतिन की सेना दे रही है, पुतिन के जंगी जहाज दे रहे हैं। पुतिन ने एक बहुत बड़ा मिशन शुरू कर दिया है जिसका नाम है मिशन ओडेसा। ये वो मिसाइल है जो जहां गिरती है वहां की तबाही देखकर दिल बैठने लगता है। ये मिसाइल जहां गिरती है वहां कोई जिंदा नहीं बचता, कुछ सलामत नहीं रहता। हर तरफ आग होती है, मलबे से लाशें निकाली जाती हैं, बची खुची इमारतें खंडहर बनने के लिए तैयार हो जाती हैं। ये है पुतिन की मॉस्केट मिसाइल जिसकी रफ्तार आवाज की स्पीड से दोगुना से भी ज्यादा है। ये मिसाइल 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक करती है। 250 किलोमीटर की रेंज के साथ ये यूक्रेन के कई शहरों के लिए खतरा बन चुकी है। मॉस्केट एक सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल है जिसमें परमाणु बम भी फिट किया जा सकता है। इसकी 250 किलोमीटर की रेंज इसे बहुत ज्यादा खतरनाक बना देती है। अब इस मिसाइल के साथ पुतिन का सबसे बड़ा टारगेट यूक्रेन का ओडेसा शहर बन चुका है। ये मिसाइल जहां गिरती है वहां पुतिन के हमले की छाप होती है। इस वक्त पुतिन की ये छाप ओडेसा पर दिखाई दे रही है। ओडेसा पुतिन का टारगेट नंबर 1 फाइनल हो चुका है। पुतिन ओडेसा को बखमूत जैसा बनाना चाहते हैं। ओडेसा पर कब्जे का मतलब है कि क्राइमिया रूस के लिए सुरक्षित हो जाएगा, और फिर पुतिन खेरसोन में भी बड़ा ऑपरेशन चला पाएंगे। पुतिन ओडेसा पर जुलाई में ही कब्जा करना चाहते हैं। इसके लिए अगले 10 दिनों के अंदर यहां 500 मिसाइल या ड्रोन से हमला करने की तैयारी है। यानी पुतिन को यहां अटैक के लिए हर रोज 50 मिसाइल या फिर ड्रोन की जरूरत पड़ेगी। इस शहर को मारियोपोल से भी ज्यादा खास बताया जा रहा है, जिसे बचाने के लिए ज़ेलेंस्की कुछ भी कर गुजरेंगे। ज़ेलेंस्की कह चुके हैं कि यूक्रेन ने अपनी जमीन पर संप्रभुता फिर से हासिल करने का बड़ा इरादा किया हुआ है, और ओडेसा के साथ साथ खारकियों को भी किसी कीमत पर रूस के हवाले नहीं करेंगे। लेकिन ओडेसा और खारकियों में हुए ताबड़तोड़ हमलों ने ज़ेलेंस्की के एयर डिफेंस को खोखला साबित कर दिया है। ना ही उनकी एयर डिफेंस मिसाइल रूस के मिसाइल को रोक पा रही है। ज़ेलेंस्की रूस के ड्रोन अटैक से अपने शहर को बचाने में फेल साबित हुए हैं। Поки не вистачає, щоб дати захист усьому українському небу. Ми максимально активно працюємо з партнерами заради додаткових комплексів ППО, які можуть дати спокій та безпеку. युद्ध को करीब 1.5 साल का वक्त हुआ है, और इस दौरान यूक्रेन के अंदर इतने बम बरसे हैं कि ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों ने इसका हिसाब रखना छोड़ दिया है।
और अब पत्रकार की मौत के बाद जंग और भीषण होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। सब जानते हैं कि ज़ेलेंस्की की फौज जंग में लड़ ही अमेरिका और नाटो के हथियारों की बदौलत रही है। ऐसे में अभी ये बात बाइडेन को भी समझ में नहीं आ रही कि आखिर यूक्रेन को क्लस्टर बम देने का उनका फैसला कितना सही है। ज़ेलेंस्की भले ही ये कहें कि वो इस बम का इस्तेमाल सिर्फ अपनी जमीन को आजाद कराने के लिए कर रहे हैं, लेकिन पत्रकार की मौत के बाद इस बम के इस्तेमाल को लेकर सवाल तो उठ ही गए। इसका इंतकाम पुतिन कैसे लेंगे? यही बात सोचकर ज़ेलेंस्की और बाइडेन दोनों घबराए हुए हैं।